महिलाओं की कितनी चिंता है आपकी पार्टी को, पहला सवाल जो प्रेम शुक्ला जी ने पूछा। दूसरा सवाल ये जो मैं जानना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, लड़कियों की शादी की उम्र सीमा 21 कर देनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज महिलाओं के प्रश्न पर बात हो रही थी तो हो रही है, तो जो पुरुष प्रवक्ता है, अफसोस है कि हम लोग ज्यादा महिला प्रवक्ता होते, जो लोग होते उनकी भागीदारी हो पाती तो बेहतर होता, आज इसमें नहीं है। ये शायद हम सबकी एक सामूहिक असफलता है, लेकिन कम से कम भाषा के बगने के को तो थोड़ा अंतर रखे। नहीं, आप तो एंकर हैं, हम आपसे आपको पैनलिस्ट नहीं, चलिए हल्के हल्के अंदाज में ये कमेंट था। बिल्कुल, बहुत हल्के अंदाज में, और कम से कम आज के दिन हमें अपने भाषा के बगनखे को अंदर रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम और करुणा के प्रतीक होती है महिलाएं। देखिए, मसला क्या है कि आज प्रियंका गांधी के तो श्रेय लेने की जो बात आप कह रही, वो एक बहुत स्वाभाविक बात है कि क्या राजनीतिक जब चुनाव की स्थिति आती है तो नैरेटिव क्या है। आज उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना है, 40% टिकट देने का ऐलान करके और अलग महिला घोषणा पत्र जारी करके कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक पहलकदमी की है। कोई कह सकता है कि ये देर है, हो सकता है, इसमें मुझे कोई मानने में एतराज नहीं है, हो सकता है ये देरी हो, लेकिन हमने 33% आरक्षण देने की पूरी भरपूर कोशिश की और बकायदा एक सदन में उपवास भी हुआ। 7 साल से मोदी सरकार है, उसने इस विषय पर कुछ नहीं किया, जबकि वो बहुत बड़े बड़े कानून बदल रहे हैं, जब चाहते हैं जो बदल देते हैं, इतना हाहा होती उनके पास बहुमत है, लेकिन महिला आरक्षण के प्रश्न पर वो कभी भी कुछ भी करने को तैयार नहीं, जबकि जरूरत इस बात की है। देखिए, महिला सशक्तिकरण इस बात से नहीं होगा कि हमने एक सिलेंडर दे दिया या हमने उनको शौचालय दे दिया, ठीक है, वो तो एक नागरिक मूलभूत सुविधा है। इसलिए पंकज जी हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बड़ा दिल दिखाया है उत्तर प्रदेश में, जो कदम उठाया है, क्या वो अन्य राज्यों में भी इसे एक नजीर के तौर पर लाया जाएगा या नहीं। ये देखिए, सवाल का दूसरा हिस्सा सकता है, मीनाक्षी जी बिल्कुल, आप सवाल अगर पूरा आपने कर लिया हो तो मैं आपकी बात का एकदम जवाब देता हूं जी। 18 से 21 वाले पर भी आइएगा, मैं उस पर भी बात करूंगा। देखिए, असली बात यह है कि यहां पर अगर हमने शुरुआत की है 40, मैं जो कह रहा था कि अगर आरक्षण होता संसद में और विधानसभाओं में, तो जहां फैसले लिए जाते हैं वहां पर महिलाएं हैं कि नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि फैसले लेने का जो परिसर हमने बनाया है या जो मंच सजाया है या जो पंचायत लगाई है, वहां महिलाएं किस बड़ी तादाद में है। पुरुषों को महिलाओं के हक में फैसला लेने का हजारों हजार साल का अनुभव है, और उसके बावजूद महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। तो अब ये समय आ गया है कि महिलाएं आगे बढ़े और वो अपने फैसले लेने में या फैसले लेने की जहां पर जगह है वहां पर वो भरपूर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें। और कांग्रेस पार्टी 40% अगर आज टिकट देने की बात कर रही है तो उसी दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम है। और आपने जो पूछा अन्य राज्यों में, बिल्कुल सही बात है। नहीं सर, अन्य राज्यों से पहले 18 से 21 पर एक आप टिप्पणी दे दें, इसको पूरा कर ले, फिर उस पर देखिए मुझे बाकी दो और उत्तर प्रदेश जाना है। मैं इसी ये चूंकि आपने सवाल बीच में पूछ लिया, इसी से जुड़ा हुआ है, तो शायद वो विषयांतर हो जाएगा कि अगर उत्तर प्रदेश की प्रभारी है हमारी जो महासचिव है प्रियंका गांधी जी, उन्होंने अगर इस बात को कहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा विमर्श इसको लेकर है, और अन्य राज्यों में भी ये आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। और पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कहा कि हमारी इच्छा है कि 50% लोकसभा का जब चुनाव हो तो 50% तक टिकट हम महिलाओं को दें, तो एक ये कोशिश हो रही है। इसमें आपको देखना चाहिए, अब एक साथ सब जगह क्यों नहीं हुआ, बहुत बार पायलट प्रोजेक्ट होते हैं कि हम किसी एक अब 18 से 21 की बात पर आ जाए, क्योंकि दो और मेहमान हैं। 18 और 21 को लेकर बहुत विवाद हुआ, क्यों विवाद हुआ, इस मुद्दे पर एक अच्छी खासी बहस होनी चाहिए। पूरी दुनिया में महिलाओं के शारीरिक संरचना और उनको लेकर कब उनकी शादी की उम्र है नहीं है, उसको लेकर पूरी दुनिया में एक कंसेंसस है जिसको लेकर 18 साल माना गया। लेकिन मैं कहता हूं अगर सरकार इसको 21 करना चाहती है, एक अच्छी खासी उस पर बहस करे जिसमें विशेषज्ञ भी हो, जिसमें सारे लोग अपनी बात रखें, क्योंकि आप उसको बालिग मान रहे हैं, आप उसको वोट देने का अधिकार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो भारत का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और सब कुछ चुन सकती है, तो जाहिर है ये सवाल उठ सकता है कि फिर वो अपना पार्टनर भी चुन सकती है, या तो आप बालिग होने की उम्र भी 30 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी बातें किसी के मतलब किसी के सनक का नतीजा नहीं होना चाहिए।
एक अच्छा ये फनक का नतीजा नहीं होना चाहिए, ठीक है आदिल हसन जी। आदिल हसन जी देखिए मैं आपसे सवाल पूछूं, उससे पहले एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रख दूं। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर, उन्होंने 16 यूनिवर्सिटीज में एक सर्वे करवाया, उन्होंने पेपर्स भिजवाया और सभी स्टूडेंट्स इसमें शामिल थे, हर वर्ग के लड़के लड़कियां सभी इसमें शामिल थे। और उन स्टूडेंट्स से जो सर्वे के रिजल्ट निकल कर आए वो ये बताते हैं कि 67% बच्चे ये चाहते हैं कि उनकी शादी 26 से 30 वर्ष की उम्र में हो, लड़कियों की मैं बात कर रही हूं कि 26 से 30 वर्ष की उम्र में हो। 20% ये कहते हैं कि 21 से 25 साल सही उम्र है शादी की, और 12% ये कहते हैं कि 30 साल, 18 का तो नाम तक नहीं लिया किसी ने, जिक्र तक नहीं लिया किसी ने। और फिर असदुद्दीन ओवैसी अगर ये कहते हैं कि महिलाओं के अधिकारों का ही हनन होगा अगर नरेंद्र मोदी ये करते हैं, वो क्यों अंकल बनना चाहते हैं लड़कियों के, तो मुझे बात थोड़ी समझ में नहीं आती। आदिल हसन, दुनिया के विकसित देश जो यूएस है, कनाडा है, यूके है, जर्मनी है, ये सब देश 18 साल, 16 साल, 14 साल किया है। हम लोग डेवलपिंग नेशन में हैं, तो क्या यूके से भी हम आगे निकल गए हैं, यूएस से भी हम आगे निकल गए हैं? वहाँ भी तो, वहाँ की भी जो महिलाएं हैं विकसित हैं, वहाँ के भी साइंटिस्ट विकसित हैं। ये एक सरकार को बेवजह, सरकार हर मामले में अंकल सैम क्यों बनना चाहते हैं? आप चिन्यानंद स्वामी आपके मंत्री हैं, आपके मंत्री ने क्या क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? उसका भी सम्मान हाथरस में इनके एमएलए ने क्या किया ये नहीं दुनिया ने देखा? उन्नाव में 2 बजे रात में आपने क्या किया ये दुनिया ने नहीं देखा? क्या ये इंसाफ नहीं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या 80% पैसा आपने खर्च कर दिया? क्या ये महिला सम्मान नहीं है क्या? इस पैसे को आपने क्यों अपने पोस्टर चमकाने में खर्च किया? बेवजह की बात आप क्यों करते हैं? आप जब एक 18 साल का लड़का या लड़की वोट दे सकता है, प्रधानमंत्री चुन सकता है, एमएलए बना सकता है, एमपी बन सकता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, बिजनेस शुरू कर सकता है, तो फिर ये नया शगुफा आप क्यों मार्केट में ले आए कि 21 साल? कहां पे स्टडी है? किससे डिस्कशन हुआ? किस ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार का डिस्कशन किया? WHO की रिपोर्ट है, हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, नेशनल अर्बन रूरल डेवलपमेंट हेल्थ मिशन की रिपोर्ट है। किसकी ऐसी रिपोर्ट है जो आप रातों रात जगते हैं और 21 कर देते हैं? प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि हर अंकल बनने की जरूरत नहीं। क्या खाएगा प्रधानमंत्री निर्णय करेंगे, क्या पिएगा, क्या सोएगा, कहां जाएगा, किससे शादी करेगा, सबके अंकल नहीं ना है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एक चुने हुए नुमाइंदा है जो पूरे 135 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।